खा है वेज। जाहिर तौर पर और बड़े पैमाने पर जो है वो न्यू ईयर की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और न्यू ईयर के तैयारियों में शरीक होने के लिए आपको बता दें कि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं, और सभी जो है ये न्यू ईयर इवनिंग में आज जश्न मनाते आपको नजर आ जाएंगे। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, पूरे जयपुर को सजा दिया गया, और बड़े पैमाने पर जो है उत्साह भी लोगों को देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। साथ ही साथ में होटल्स वगैरह काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इसको डेकोरेट किए गए हैं। बढ़ते आगे, दरअसल जयपुर से एक और खबर आ रही है, एसीबी के मुखिया डीजी बीएल सोनी आज रिटायर हो रहे हैं। एसीबी में 2 साल के कार्यकाल में बतौर डीजी बीएल सोनी के नेतृत्व में रिकॉर्ड जो बने हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एसीबी ने बीएल सोनी के नेतृत्व में रिकॉर्ड कार्रवाई की है। 2 साल में 1000 से ज्यादा घूसखोरों को पकड़ा गया। आईएएस से लेकर आईपीएस तक को घूस के मामले में बख्शा नहीं गया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के, उसका सबसे पहला तो ये है कि हमारा विनम्र रूप से लोगों में जागरूकता का अभियान हमने सबसे पहले जिला स्तर पर शुरू किया, विभिन्न संगठनों के साथ उनको हमने, क्योंकि हम ये पूर्णतः विश्वास करते हैं कि जनता के जुड़ाव के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकती। तो हमने खूब सारे अभियान स्वरूप कार्यक्रम किए, हमारे अधिकारी गए, कुछ में मैं गया, कुछ में हमारे एडीजी साहिबान, एसपी साहिबान, डीआईजी साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान गए, लोगों को तरीका बताया कि आप किस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन को हमने दुरुस्त किया, उसको सुदृढ़ किया। 1064 हमारी यूनिवर्सल हेल्पलाइन है जो 24 घंटे काम करती है। जनता के सुझाव पर एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की हमने 9413502834, उस पर लोगों ने खूब व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज भेजे, और उन पर खूब कार्रवाई इस साल हुई। इस साल 100 से अधिक कार्रवाई जो हमारी इन दोनों हेल्पलाइन से हुई है। कार्रवाई के अलावा खूब सारी सूचनाएँ ऐसी मिली जिनसे कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे भ्रष्टाचार के तरीके के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा रिवॉल्विंग फंड सरकार ने स्वीकृत किया, पहली किस्त 50 लाख की स्वीकृत की, वो हम सारी हमारे परिवादियों में वितरित कर चुके हैं। दूसरी किस्त 50 लाख की भी आ गई है और परिवादियों से एप्लीकेशंस ले ली हमने, हमारी एक कमेटी है वो उसको देख रही है। परिवादियों के काम कराना, वाजिब काम को कराना, इसके लिए हमने उच्चतम स्तर पर मुख्य सचिव महोदय से लगा करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, उनसे मैंने, हमारे टीम के अधिकारियों ने व्यक्ति से बात करी, जाके मिले, और हमारा ये ध्येय कि ट्रैप के साथ भी ट्रैप के बाद भी हमने इसको काफ़ी हद तक अचीव करने का प्रयास किया। एसीबी आपके द्वार, हमारी ये थिंकिंग है कि जो परिवादी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एसीबी का दफ्तर कहाँ पर है, कहाँ रिपोर्ट करना है, और हम ये चाहते हैं कि उसमें सीक्रेसी भी रहे। हमारे पास अगर कोई 1064 पे या व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे भरतपुर के लिए कॉल आता है तो नॉर्मली हम भरतपुर की टीम को नहीं भेज के दूसरी टीम को भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें भरतपुर की टीम पर विश्वास नहीं है, लेकिन हम इसलिए भेजते हैं कि हम आम आदमी जो हमको विश्वास करके हमारे पास आ रहा है उसकी विश्वास पर खरा उतर सके, कहीं भी कोई लीकेज ना हो। तो एसीबी आपके द्वार हमारी काफ़ी सफल रही। कई सारे ट्रैप्स में हमने फरियादी को ऑफिस में बुलाया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, कहीं और तीसरे स्थान पर मिले, और उनकी बात के साथ वेरिफिकेशन करके हमने कार्रवाई की। तो समग्र रूप से एक अच्छा साल रहा एसीबी की दृष्टि से। कुछ इंडक्शंस भी हुए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो एडिशनल एसपी का है। हमारे यहाँ 60 एडिशनल एसपी के पद हैं, और अभी 60 के अगेंस्ट में सिर्फ 28 लोग हैं, 7 लोग अभी इंडक्शन हुए हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। डीवाईएसपी इंस्पेक्टर्स भी हमारे महत्वपूर्ण पद है, इन पर भी साल वर्ष पर्यंत हमने प्रयास किया कि हमें इंडक्शंस हो, हमने इंडक्शंस किए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मुझे मेरी टीम के किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं करना पड़ा, कोई गंभीर विभागीय कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, सब ने
मोटिवेटेड होकर के अच्छा काम किया और उसका परिणाम यह है कि जिन यूनिटों ने पूर्व के वर्षों में कोई अच्छा उपलब्धि हासिल नहीं की थी उन्होंने भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो जो पूरे आंकड़े हैं वो आपको हमने सप्लाई किए हैं। अभियोजन स्वीकृति में भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम हुआ है। पहले अभियोजन स्वीकृति आईओ के सर पे रहती थी, वो जाता था और मिलती नहीं थी। अब हमने पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों ने भी, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें एक प्रोएक्टिव रोल किया। हमने मुख्यमंत्री महोदय से कह के मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग करवाई और हम विभिन्न प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ व्यक्ति से जाके मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उसका परिणाम यह है कि रिकॉर्ड अभियोजन स्वीकृतियाँ लास्ट ईयर मिली थी और उससे ज़्यादा इस बार मिली है हमको। और मनाही का प्रतिशत भी जो पहले करीब 20 के आसपास होता था वो अब थोड़ा कम होकर के 12-15 तक पहुंचा है। एक और बड़ी अच्छी पहल हमारे यहाँ हुई है, प्रकरणों के अनुसंधान में समय ज़्यादा लगता था, हमारे पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।